हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम क्या है? जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्य जो जीव की संगठित संरचना बनाए रखते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। इसमें मैंने आपको श्वसन पढ़ा दिया था, ठीक है। आज मैं आपको पोषण पढ़ाऊँगी। पोषण, पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होती है। पोषण यानी भोजन, भोजन के कार्य क्या हैं? ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि करना, मरम्मत करना, अगर टूट फूट हो गई हो तो उसकी मरम्मत करना, प्रतिरोधकता बढ़ाना। नियामक पदार्थ यानी हार्मोन व एंजाइम भी भोजन के अवयवों के ही व्युत्पन्न होते हैं। पोषण के प्रकार, पहला हम प्रकार पढ़ते हैं स्वपोषी। वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके स्वपोषी। इस प्रकार के पोषण में जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों द्वारा जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है। यह उपापचय क्रिया है, अतः ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या है? कुछ जीवाणु रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर खाद संश्लेषण करते हैं जो पर्णहरित की अनुपस्थिति में होती है, जैसे नाइट्रीकारक जीवाणु, सल्फर जीवाणु। अब हम प्रकाश संश्लेषी देखते हैं। पौधे पर्णहरित व प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें किसका उपयोग किया जा रहा है? आपका प्रकाश की उपस्थिति है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करा जा रहा है, तब ये भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका समीकरण CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के हरित लवक में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि देखें, दो चरणों में संपन्न होती है। नंबर एक, प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसमें सौर ऊर्जा ATP की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। जल का प्रकाश अपघटन होता है। इसमें H2O किसमें टूटती है? ऑक्सीजन में टूट जाती है और हाइड्रोजन आयन में, और इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देती है। यानी कि ये जल किसमें टूटा? प्रकाश अपघटन हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? ये केल्विन चक्र होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा यानी रंध्र भाग में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपकृत होकर ग्लूकोज का निर्माण करती है। किसका क्या बनाती है? ये ग्लूकोज बनाती है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व देखें, नंबर एक ऊर्जा का रूपांतरण करना, नंबर दो ऑक्सीजन का स्रोत है, नंबर तीन CO2 स्तर में कमी करता है। अब दूसरा टाइप है आपका विषम पोषी यानी परपोषी। वे जीव जो स्वयं भोजन निर्माण में सक्षम होते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। इसके प्रकार हैं, प्राणी संभोजी पोषण। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा, कुत्ता, मानव आदि। परजीवी, वे जीव जो दूसरे जंतुओं या पादपों के शरीर पर आश्रित रहकर इन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है फीताकृमी, अमरबेल, जौंक, खटमल। ये क्या करते हैं? ये दूसरों से खाना ग्रहण करते हैं, खुद नहीं बनाते। मृतोपजीवी, वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपका कवक, जीवाणु, यीस्ट। पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना, बाह्य संरचना सबने देखी होगी, कितनी सिंपल सी होती है। इसमें पर्ण शीर्ष होता है, पर्ण फलक होता है, ये शिराएं होती हैं। इसमें
पर्णाधार होता है और ये पर्ण व्रंथ होता है। आंतरिक संरचना में बाह्य त्वचा ऊपरी क्यूटिकल की बनी होती है, निचली रंध्र व हरित लवक उपस्थित होता है निचली सतह पर। रंध्र कैसे होते हैं? रंध्र जो है इसमें दो द्वार कोशिकाएं होती हैं और इसके चारों तरफ क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। पत्ती की निचली सतह पर ये पाए जाते हैं। हरित लवक की संरचना देखें, ये दोहरी कला है और इसके मध्य में क्या होता है, इसमें एक तो द्रव भरा रहता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं और इसके इसमें जो प्लेट्स नुमा संरचनाएं होती हैं ये आपकी पेटिका या पटलिका कहलाती हैं। और इसमें इसमें क्या है, ये आपको प्लेट्स जो हैं वो गुच्छों के रूप में यानी एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, इसको हम ग्रेना कहते हैं या फिर थैलेकोइड्स भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पोषण, ये आपका हरित लवक हो गया। पोषण अमीबा में, पोषण अमीबा में, पोषण में सबसे पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण में कूटपात खाद कण को घेर लेते हैं और बॉडी में समाहित कर लेते हैं। जैसे ये डायग्राम में क्या, इसने अपने कूटपात फैला दिए और ये इसमें इसमें समाहित कर लिया। दूसरा आप देखें पाचन, खाद रिक्तिका में खाद कण का पाचन पाचक एंजाइम्स के द्वारा होता है। क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इस पर घेर लेंगे और उसको अंदर की तरफ अपने धकेल देंगे। अवशोषण, पाचन के बाद बने उत्पाद शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का कुछ भाग ऊर्जा प्रदान करता है व कुछ भाग जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाता है। इसमें कुछ भाग तो अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ जीव द्रव्य का भाग बन जाता है। बहिक्षेपण, अवशिष्ट पदार्थ अवशेषी काय के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये क्या कहलाती है प्रोसेस, आपकी बहिक्षेपण कहलाती है। जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ये आपका है बहिक्षेपण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मानव में पोषण पढ़ेंगे।